Hello everybody, my name is Kunal Chawla and you are watching Designamo Design House. So in today's video, I will be showcasing you कि आप कैसे एक सिंपल शर्ट के ऊपर चेक सप्लाई कर सकते हैं या फिर एक शर्ट जो ऑलरेडी चेक में है यानी कि जो जिसका एक रास्टर इमेज आपके पास प्रेजेंट है आप उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं चेक्स को कैसे उस शर्ट के ऊपर या फिर उस पीस ऑफ आर्ट वर्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द वीडियो. सो आई होप नाउ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन. सो मैंने बेसिकली जो आर्ट वर्क अपने मम्मा पापा के लिए बनाया था बेसिकली मेरे फादर का बर्थडे था बस थोड़े दिन पहले. सो मैंने उनके लिए एक आर्ट वर्क डिजाइन किया था. सो लेट मी शो यू वो आर्ट वर्क कैसा था. सो दिस इज बेसिकली द आर्ट वर्क जो कि मैंने बनाया था. तो इस आर्ट वर्क के अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चेक्स अप्लाई कर रखे हैं अपने फादर के जो कोट है उसके ऊपर. सो मैंने इसको कैसे बनाया था मैं अब आपको बताने वाला हूँ. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस शर्ट. सो ये शर्ट जो है वो पहले बिल्कुल ही प्लेन थी. सो यहाँ पे लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ओके. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो शर्ट है वो बिल्कुल ही प्लेन है. सो मैंने इसके ऊपर चेक्स अप्लाई किए थे बाय यूजिंग एडोब फोटोशॉप और मैंने उसका एक पैटर्न बनाया था. सो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपनी फाइल पे जाएंगे ओपन करेंगे एंड हम यहाँ पे उस पिक्चर को ओपन करते हैं जो कि मैंने यूज की थी. सो दिस इज बेसिकली द पिक्चर जिसको मैंने यूज किया था फॉर मेकिंग द पैटर्न. सो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे रिदम कैसे बन रही है यानी कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है. हम एक पर्टिकुलर स्क्वायर को लेंगे एंड उस स्क्वायर के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं उसको हम कॉपी करेंगे. उन डिटेल्स को कॉपी करने के बाद हम उसको स्वाचेस के पैनल में डालेंगे बिकॉज स्वाचेस के पैनल से क्या होगा वो आपके पेंसिल टूल के अंदर एंड आपके ब्रश टूल के अंदर यूज आ जाएगा. तो हम वही काम करने वाले हैं. सबसे पहले हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो ये वाला पैटर्न जो है इधर से लेके इधर तक का जो ये पैटर्न है ये पैटर्न जो है वो आपका रिपीट कर रहा है. सो हम इसी पैटर्न को ट्रेस करने वाले हैं बाय यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर. सो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने रेक्टेंगल टूल के ऊपर एंड उसके बाद हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाएंगे लेयर बाय लेयर. तो सबसे पहले हम एक लेयर बनाते हैं यहाँ पे एंड इस लेयर को हम करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे हम बनाएंगे रेक्टेंगल्स. सबसे पहले आप जो हॉरिजॉन्टल एरिया है उसके लिए रेक्टेंगल बनाएंगे एंड देन उसके बाद वर्टिकल एरियाज के लिए बनाएंगे तभी आपका जो रेक्टेंगल एक चेक फॉर्म में निकल के आएगा. ओके सो सबसे पहले हम यहाँ पे इन रेक्टेंगल्स को बनाएंगे. सो लेट मी फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस. तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न तो बना दिया अब हमें वर्टिकल पैटर्न को बनाना है. सो उसके लिए हम दोबारा रेक्टेंगल्स को ट्रेस करेंगे. सबसे पहले हम इसको हाइड कर देते हैं यहाँ पे एंड इस सारी लेयर को हम जो है सबसे पहले कर देते हैं ग्रुप कंट्रोल जी टू ग्रुप एंड इसके बाद हम इसको कर देंगे हाइड एंड अब हम इन पैटर्न्स को बनाएंगे. मैंने अब इन लेयर्स को बना दिया हुआ है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वालों को. अब मैं इनकी ओपेसिटी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूंगा ताकि वो एक सेम टू सेम इफेक्ट दे सके हमें. तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं उनकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूं. सो लेट अस ब्रिंग डाउन द ओपेसिटी एंड आई थिंक दिस विल बी ओके. आई थिंक 60 विल बी ओके फॉर एवरी पर्टिकुलर रेक्टेंगल. ओके सो अब मैंने इस पैटर्न को कंप्लीट कर दिया हुआ है. अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं इस सारे पैटर्न को सिलेक्ट करूंगा इसको ग्रुप करूंगा एंड इसको स्वाचेस पैनल के अंदर ले जाऊंगा. तो अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया हुआ है. नाउ आई विल बी जस्ट डूइंग कंट्रोल सी टू कॉपी एंड इसके बाद मैं ले जाऊंगा अपनी शर्ट के ऊपर एंड मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इसको अपने स्वाचेस के अंदर. ये रहा मेरा स्वाच पैनल. मैं यहाँ पे इसको करूंगा फेस्ट.
नाउ अब इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा अपने स्वाचेस वाले पैनल के ऊपर। यस, अब मैं इसको करता हूँ यहां से डिलीट एंड यहां पे मैं इस लेयर को कर देता हूँ डिलीट। नाउ ये रहा हमारा स्वाचेस का पैनल एंड मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है एंड इसके बाद अब मैं अपने ब्रश टूल के ऊपर जाता हूँ। नाउ वेट फॉर द मैजिक। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ही मैंने अपने ब्रश के स्ट्रोक को डाला है वैसे ही एक पैटर्न हमें दिख सकता है यहाँ पे। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न बन के आ रहा है। सो दिस इज हाउ बेसिकली अ स्वाच पैनल वर्क्स। स्वाच पैनल जो है वो आपको एक फिल कलर की तरह ही काम आता है किसी भी ब्रश स्ट्रोक के साथ या फिर किसी भी एक पेंसिल टूल के साथ। सो अब मैं यहाँ पे इसको इसके हाफ रीजन को कन्वर्ट करने लगा हूँ चेक वाले रीजन के अंदर। सो यहाँ पे मैं ले जाऊंगा अपने पेंसिल टूल के ऊपर एंड देन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आउटलाइंस बनाऊंगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक चेक का पैटर्न अपने आप ही बन गया हुआ है। सो मैंने बस एक पैटर्न को यूज करके एक कई सारे पैटर्न बना दिए हैं बाई यूजिंग सिंपल स्टेप्स इन Adobe Illustrator, बाई यूजिंग द रेक्टेंगल टूल एंड बाई यूजिंग द स्वाचेस पैनल ऑफ द Adobe Illustrator। सो लेट अस जस्ट कम्प्लीट दिस होल पोर्शन एंड हमने एक पार्ट ऑफ द शर्ट को कन्वर्ट कर दिया है चेक्स के अंदर। सो आप कई सारे पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं, कई सारे पैटर्न्स को यूज करके एक चेक वाली शर्ट को कन्वर्ट बना सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे इस शर्ट के अंदर आप इनके कॉलर्स के लिए अलग पैटर्न यूज कर सकते हैं, इनके जो शोल्डर वाला एरिया या फिर इनका जो हाथ वाला जो एरिया है उसके लिए आप अलग यूज कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस फीचर को यूज करना है। I hope you loved this video and if you did, do like and subscribe to this channel and also click on that notification icon so that you get notified whenever I upload a video over this channel. And if you are new to this channel, check out my previous videos here in the cards and also follow me over my social media handles, link is in the description. So this is Kunal Chavla, aka Designer Mo, signing off.